बंधन गीत को शॉर्ट कट में गाते हुए, अरे वाह, फिर इसके बाद जवाब की तरफ, फिर अपने सवाल की तरफ। और समझदार गुरु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य क्षमा प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा तो सदा भवानी सन्मुख राहत गड़े और पांच देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो। भक्त माँ के दरबार जाता है क्योंकि हम कलाकार भगवान की वंदना जरूर करते हैं, माता रानी की वंदना जरूर करते हैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि हनुमान जी महाराज का दरबार सजा हुआ है। जय हो। तो कुछ गीत ऐसे हैं जो फिल्मी टुकड़े से कम नहीं है। आदरणीय राम विनोद दादाजी को प्रणाम कर रहा हूँ। चश्मा बहुत अच्छा लग रहा दादा। औका हेलो। तो गीत कहता है, अरे दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, तो इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, तो दीदार तर को दीदार तर को दीदार तर को गौर से पहचान लीजिए, या
तो इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। अरे दीदार दर को गौर से, दीदार दर को गौर से पहचान लीजिए। अरे वाह वाह वाह, भक्त दरबार जाता है, कहता है माँ तू कहाँ कहाँ विराजमान है, अरे माँ तू कहाँ कहाँ विराजमान है। आदरणीय सतीश दादा पहुंच चुके हैं, मंच के माध्यम से आपको सादर, आपका सादर अभिवादन है, नमन वंदन है। अरे वाह गुरु वाह, क्या हारमोनियम बजा रहे हैं। भक्त कहता है क्या कि श्रीधर की पुकार में ध्यानों के ध्यान में, आदरणीय सम्मान्य नेता जी का आगमन हो चुका है, सम्मान्य राम सिंह दादाजी जो नेता जी हैं आपका आगमन हो चुका है, पंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्त कहता है कि श्रीधर की पुकार में और ध्यान के ध्यान में, और हर कवियों की कि हर कवियों की लेखनी, हर कवियों की लेखनी मीरा की तान में। किसी ने लिखा मुरली की तान में, लेकिन ये निडर कहता है। अरे वाह गुरु वाह, कि हर कवियों की लेखनी मीरा की तान में, हो ना कोई अगर दरबार में आए हैं भोले बाबा के, हनुमान जी महाराज के, माता रानी के, तो मेरा मंच के माध्यम से यही कहना है कि हो ना कोई उदास ऐसी मुस्कान दीजिए। अरे वाह गुरु वाह, अरे हो ना कोई उदास ऐसी मैया मुस्कान दीजिए। और अगर आ गए दरबार में तो ये खाली न लौट कोई माँ, अरे खाली न लौट कोई माँ वरदान दीजिए। से कहता है वैसे बंदना तो कभी बंद नहीं होती है, लेकिन रहे दूर खट से खोना ही खोना है, अरे तेरी किस्मत में है बंदे, फकत रोना ही रोना है। ये दुनिया
ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, चल मेरे बाबा की डहरिया पर। अरे वाह, ले ले फोटो इनका अच्छा आना चाहिए। अरे वाह गुरु वाह, जम रहे हो, कैमरा वाला ध्यान दे, कुर्ता तो और अच्छा जम रहा है। अरे वाह, ये सम्मान्य दादा श्री विजय स्टूडियो लखनऊ आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका चैनल काफी फेमस है, अरे वाह, हम भी जानते हैं। और बलरामपुर में हमारी और सदेवा का रिकॉर्डिंग भी बनाने आए थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तरफ से। ये बहुत अच्छा साउंड सर्विस सम्मान्य भैया श्री काजल साउंड लखनऊ यूट्यूब चैनल, आपका चैनल भी चलता है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे वाह, जिसके प्रोपराइटर भैया हैं श्री मनोज कुमार राजपूत, सुरेंद्र कुमार राजपूत उर्फ छोटू भैया, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भक्त कहता है माँ से आए माँ रहेगा दूर चौखट से तो बस खोना ही खोना है, अरे तेरी किस्मत में आए बंदे फकत रोना ही रोना है। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, चल मेरे बाबा की डहरिया पर, और वहाँ पीतल ही पीतल है, यहाँ सोना ही सोना है। अरे वाह, छा गए गुरु। तो भक्त कहता है क्या, ये आलाप स्वर सुधारो आलाप स्वर सुधारो। और माँ माँ सरगम का ज्ञान हो, गीत को सुनिएगा, भक्त कहता है माँ माँ आलाप स्वर सुधारो, मैया सरगम का ज्ञान हो, ये स्वर ये संवर जाए निडर, ऐ माँ स्वर ये संवर जाए निडर, ऐसा ही भान हो। ये निडर कहता क्या है, क्या कि गायन में शुद्धता हो, गायन में शुद्धता हो, वो गान दीजिए। अरे वाह गुरु वाह, अरे गायन में शुद्धता हो, वो गान दीजिए, और खाली न लौट कोई माँ तेरी माँ। अरे वाह, क्या सजा के गा रहे हो। खाली न लौट कोई माँ वरदान दीजिए, खाली न लौट कोई माँ वरदान दीजिए, वरदान दीजिए माँ। बढ़िया गीत आया है, अब चल रहे जवाब की तरफ। ओका, गीत आया है बहन जी की तरफ से। गीत आया है, कौन सा ये सम्मान्य भैया श्री धीरज गुप्ता जी की तरफ से 51 पत्र मुद्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत आया है, कौन सा कौन सा,
कुर्ता है नीला गुट्टू भैया का तो कोई जोड़ ही नहीं है, कोई जोड़ है, ये बेजोड़ है। गुट्टू भैया बेजोड़ है। आओगा क्या कुर्ता है नीला, रंग पगड़ी का पीला, अरे वाह लहरा के गाबरू लहरा। आओगा कुर्ता है नीला, हमको लग रहा है कि बहन जी ने हमारा कुर्ता देखा लेकिन व्हाइट नहीं दिखा। क्या कुर्ता है नीला, पहली बार कुर्ता पहन के आए, पहला गाना कुर्ते वाला हो गया, बहुत बढ़िया। औका कुर्ता है व्हाइट। औका क्या कुर्ता है नीला, रंग पगड़ी का पीला, अरे रंगीला, अरे बलमा छल छबीला, ऐसा है वो रंगीला रंगीला चैन उड़ाए, ओहो दिल चुराए, ओहो बड़ी मस्तानिया, ऐसा जुमाऊँ ऐसे कैसे मैं बताऊँ, ऐसे किसको सुनाऊँ कि अपनी प्रेम कहानियाँ, अपनी प्रेम कहानियाँ। कलाने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा बढ़िया प्रसंग दिया है। वैसे गीत आपका तो बहुत मजबूत है, एकदम लोहा लाल, इसका जवाब तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हम निडर प्रयास तो करने हैं, क्योंकि तीन नारियां की बात चल रही थी, हमने सोचा विभीषण बच रहे हैं, अरे उसको आपने प्रवचन में बोल दिया, हमने कहा हमको एक ही मिल जाएंगे, प्रवचन प्रवचन क्या कथा थोड़ी हो रही है, लेकिन खोजने से कुछ ना कुछ तो जरूर मिले। बहुत मजबूत गीत आया है, अब पहले राउंड में ही इतना मजबूत गीत देखिएगा, जवाब की तरफ चल रहे हैं। आपका गीत कह रहा है, आपका वक्त का है, हमारा तखत का है, सुनो के सतगुण की सुनाओ, तम गुण की सुनाओ, रज गुण की सुनाओ सबको, क्योंकि विलक्षण तीन नारियां, विलक्षण तीन नारियां। अब जवाब की तरफ चल रहा हूँ, सतगुण रजगुण तमोगुण तीनों गुण लिए हैं आपने, तीन नारियों को बताया है। जवाब की तरफ चल रहा हूं,
हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंच गए, जा रहे हैं और रास्ते में उसी समुद्र में मैनाक नाम का पर्वत ऊपर आया और उस पर जो है भगवान हनुमान जी महाराज ने विश्राम किया। तो कहना पड़ा, सुनो, एक अवसर है आया, एक अवसर है आया, आराम जहां पाया। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं लंका को और रास्ते में उसी समुद्र में, यहाँ पे आप सिंहिका को बता रही हैं, वहीं पे उसी समुद्र में मैनाक नाम का पर्वत समुद्र से निकला और कहा, प्रभु आप तो प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक हैं, आप अगर जो हमारे पर्वत पे विश्राम कर लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जय हो। तो कहना पड़ा, सुनो, एक अवसर है आया, आराम जहां पाया, कुछ समझ नहीं आया, ये किसकी है माया भर माया। अरे वाह, कुछ समझ नहीं आया, ये किसकी है माया भर माया। तो सोचे बजरंगी हो है जो लड़ जंगी, जय हो जय। सोचे बजरंगी है जो लड़ जंगी, तो हरी, अरे हरी किसने परेशानिया। एक एक लाइन समझ में आएगी, निवेदन है, एक एक लाइन को सुनिएगा। तो हरी किसने परेशानिया, तो ग्रंथों में जो पाया ऋषि मुनियों ने गाया, वही मैंने सुनाया, सुन लो। अरे वाह, सुनो, समझो। ग्रंथों में जो पाया ऋषि मुनियों ने गाया, वही मैंने सुनाया, सुन लो। अलौकिक तीन कहानियां, अलौकिक तीन कहानियां, जवाब की तरफ चल रहा हूं, सुनिएगा, सुनिए। तो ग्रंथों में जो पाया ऋषि मुनियों ने गाया, वही मैंने सुनाया, सुन लो। ग्रंथों में जो पाया ऋषि मुनियों ने गाया, ग्रंथों में जो पाया ऋषि मुनियों ने गाया, वही मैंने सुनाया, सुन लो। अलौकिक तीन कहानियां, अलौकिक तीन कहानियां, वो तीन कहानियां देखिए, सुनिए। जब हनुमान जी महाराज लक्ष्मण को शक्ति लगी और जब संजीवनी लाने गए, जब संजीवनी लाने गए तब गुरु, तो वहां पर कालनेम भेष बना करके राम नाम का जाप कर रहा था, रास्ते में जाप कर रहा था, तो कहना पड़ा, क्या ये कुछ समझ नहीं पाए तेरे नाम। वाह,
कुछ समझ नहीं पाए, बजरंग है भरमाए। सोच रही सुनसान इलाके में राम भक्त, अरे और यही उलझन उलझाए, कहीं देर ना हो जाए। समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर रुक तो गया हूँ, राम का नाम जप कर रहा है, लेकिन चिंता वहाँ की खाए हुए कि संजीवनी लाने जाना है। तो यही उलझन उलझाए, कहीं देर न हो जाए तो घबराए। अरे वाह, अरे वाह, गोंडा कलम है ये। घबराए श्री राम के संगी जो है सत्संगी, अरे बड़ी हैरानिया, बड़ी हैरानिया। तो ग्रंथों से है छानी ज्ञानी, गुड़ियों ने बानी, ग्रंथों से है छानी ज्ञानी गुनियों ने, ग्रंथों से है छानी ज्ञानी गुनियों की बानी, एक ऐसी कहानी सुन लो। आराम से एक एक सब समझा के कहो। एक ऐसी कहानी सुन लो, अलौकिक तीन कहानिया, अलौकिक सीखा। एक टुकड़ा और पढ़ रहा हूँ जवाब के तरफ से, सुनिएगा आदरणीय कल्पना जी। सुनो मुकेश भाई, आप भी सुनो। कि ये सिंधु पार जैसे छठे टुकड़े मार देते हो, खुले बिल्कुल साफ सुथरा। अंतिम पंक्ति सुनिएगा जवाब के तौर पे। कि ये सिंधु पार जैसे एक घटना घटी वैसे, आज गुड्डू भाई को करंट पता नहीं कहां मिल रहा है। कि सोचे ये हुआ कैसे, निकले जैसे के तैसे। जैसे को तैसा, आगे एक लाइन पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। वाह, रसना रस रंगी हो जाए, तन मन है रंगी हो जाए, लख अरे लख कई निशानिया। जब उधर से लौटे लगे हनुमान जी महाराज लंका का दहन करके, और जब इस पार कूदे तो गुफा में गिर गए, और उनको मूर्छा आ गई, क्योंकि उनको एक मान हो गया था कि मैंने तो लंका जला दी। और जब मूर्छा आई और प्यास लगी तो मुनिवर से कहा, मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है। मुनिवर ने कहा, जाओ अंगूठी कमंडल में डालो और जल को पियो। अब अंगूठी को कमंडल में डाला और जब अंगूठी निकालने लगे तो ढेरों लग गए अंगूठियों के। आज तुम्हारे जैसे कई हनुमान आए और गए। तो रसना रस रंगी, तन मन है रंगी, लख कई तो लख कई निशानिया। तो भारा ज्ञान का सागर, जो ज्ञानी गुनागर है चकित दिवाकर धुन लो। अरे वाह, अरे वाह, ये हेलो भराई। भारा ज्ञान का सागर, जो ज्ञानी गुनागर है चकित दिवाकर धुन लो। अलौकिक तीन कहानियां, अलौकिक तीन कहानियां।
अलौकिक तीन कहानियाँ, अलौकिक तीन कहानियाँ, बोले हनुमान जी महाराज की। ये सम्मानीय बहन जी आपके भारी भरकम गीत का यथाशक्ति जवाब जो बन पाया वो अपनी तरफ से रहा। अब अपने तरफ से गीत सुनो भैया पूरे मंडल सामान्य भैया जी की तरफ से मुझे नाम नहीं मालूम है, लिख के देते तो थोड़ा बोले में। मनोज भैया जी की तरफ से छाया हुआ नाम, मनोज भैया जी की तरफ से पूरे मंडल को 100-100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत बहन जी दे रहा हूँ आपकी सेवा में। आपकी तरफ से तीन बातें लगी हुई थी, मैं भी कुछ ऐसा ही प्रयास करूंगा। बहन जी महाराज का एक गीत आपको दे रहा हूँ। फिल्मी टुकड़ा कहता है क्या? बढ़िया गाएंगी, बिल्कुल सादा साधारण सस्ता सा गीत है, सुनिएगा। तनु तनु ताना जिंदले गया ओ दिल का जानी, ये पुत बे जान रह गया। अरे पानी में तस्वीर के पानी में तस्वीर, पानी में तस्वीर कब बनती है, यादों से तस्वीर, यादों में तकदीर कब बनती है। मेहमान ए मेहमान मेहमान, इसमें ये भी लगना चाहिए कि मेहमान चला गया घर से, मेहमान चला गया घर से, ये बाकी जहान रह गया हो। तो जिंद ले गया। आइए सम्मान्य पप्पू दादाजी, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से हमारे पप्पू दादाजी एवं अध्यक्ष हमारे दादा पप्पू दादाजी एवं हमारे सम्मान्य राकेश दादाजी एवं पप्पू शर्मा दादाजी सभी पधारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं प्रणाम करता हूँ मंच के माध्यम से। स्वागत है। तो मेहमान चला गया घर से, मेहमान चला गया घर से, ये पुत बेजान रह गया। वाह दादा, चश्मा बहुत जानदार लग रहा है।
सुनिएगा सुनिए कि मेहमान चला गया घर से, ये बुत बेजान रह गया। तो जिंद ले गया, जिंद ले गया, अरे वाह, जिंद ले गया, जिंद ले गया, वो दिल का जानी ये बुत बेजान रह गया। कथा के तरफ जोड़ रहा हूँ, एक बार हनुमान जी महाराज युद्ध समाप्त हुआ, जब प्रभु श्री राम के पास बैठे तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, क्या प्रभुवर, मैंने तो सब कुछ किया लेकिन मैं तीन चीजों से वंचित रह गया। मैं तीन चीजों से वंचित रह गया, अब वो तीन चीजें हैं क्या? सुनिए, वो तीन चीजें हैं क्या? एक एक पंक्ति सुनिएगा, आनंद की अनुभूति होगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे प्रभुवर, मैं तीन चीजों से वंचित हुआ। वो तीन चीज देखिए, ओनली थ्री, ऑलवेज इन थ्री। तो सब मिल गया मुझको मेरे स्वामी, लेकिन सब मिल गया मुझको मेरे स्वामी, ना कोई अरमान रह गया। बस, बस। पर तीन चीज से, तीन पर तीन चीज से, पर तीन चीज से वंचित ये आपका हनुमान रह गया। अब पहली चीज देखिए, भगवान श्री राम से भक्त श्रोमणि हनुमान जी महाराज बता रहे हैं क्या? कि भूख मिटाने का जब जब भी हमने किया प्रयोजन है, सुनिएगा दादा, खर्चा खर्चा फिर से लाओ कि भूख मिटाने, हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, भूख मिटाने का जब जब भी अरे हमने किया प्रयोजन है। वाह, क्या वापसी है, के संयोजन एक बार हुआ, बस संयोजन एक बार हुआ, बस माने कराया भोजन है। सुनिए कहा, मैंने एक ही बार भोजन किया है, मैंने एक ही बार भोजन किया, हनुमान जी महाराज कहते हैं, संयोजन एक बार हुआ, बस मान कराया भोजन है। लेकिन लेकिन अरे ना भर पेट मैं पाया भोजन, अरे ना भर पाया भोजन,
मैं भूखा दिन मान रह गया। वाह भर पेट पाया भोजन। हनुमान जी महाराज कह रहे प्रभु श्री राम से किमना भर पेट पाया भोजन, अरे भूखा दिन मान रह गया। अरे वाह कितना स्टाइल में जा रहे हो। सब मिल गया, सब मिल गया मुझको मेरे स्वामी, न कोई अरमान रह गया। सब मिल गया मुझको मेरे स्वामी, पर तीन चीज से, तीन पर तीन चीज से वंचित ये आपका हनुमान रह गया। पर तीन चीज से वाह क्या स्टाइल है। अब दूसरी दूसरी बात देखिएगा, ओनली थ्री अरे रात और दिन हर पल पल छिन, अरे अपने जोड़ की बेजोड़ झोलक। आज कहाँ से करंट मिल रहा है का बगल से। अब हनुमान जी कहते हैं प्रभु श्री राम से कि रात और दिन हर पल हर छिन, अरे व्यस्त रहा सेवकाई में। मैं तो आपकी सेवकाई में व्यस्त रहा। मैल मलिन तन, मैल मलिन तन परिवर्तन प्रभु, जल छिप जाए काई में। सुनिए जैसे काई जब ऊपर लग जाती है तो जल छिप जाता है, इस प्रकार से मैं छिपा हुआ हूँ तो जी भर के नहा नहीं पाया। जी भर के नहा नहीं पाया, ये करता अनुमान रह गया। वाह गुरु वाह का, अरे वाह पुरस्कार बाद में बोलेंगे, गाने का जायका खत्म हो जाएगा। कि जी भर के नहा नहीं पाया, जी भर के नहा नहीं पाया, कि जी भर के नहा नहीं पाया, ये करता अनुमान रह गया। पर तीन चीज से वाह, पर तीन चीज से, पर तीन चीज से वंचित ये आपका हनुमान रह गया। आपका हनुमान रह गया।
आदरणीय दादा श्री मधु श्रीवास्तव दादाजी जो अंतरराष्ट्रीय कवि हैं, थोड़ा इस गीत पे जो है गौर करिएगा। आदरणीय दादा श्री मधु श्रीवास्तव दादाजी इस टुकड़े पे गौर कीजिए। गौर हो रहा है। नींद से वो छिले को रही अखियां भिनक भिनक, ये भी लगता है ऐसे। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि नींद से ओझल हो रही अखियां, चाहू जी भर मैं सोना। सोना और नींद भी ऐसी आए भगवान, अरे नींद भी ऐसी आए भगवान जो कि टूटे पर सोना। कितने सोना टूटे, कितने गंभीर शब्द लगे होगा। जो कि टूटे पर सोना तो कब होगी पूरी, अरे कब होगी पूरी ये इच्छा, कब होगी ये पूरी इच्छा। समीक्षाए मतिमान रह गया, कब होगी पूरी ये इच्छा, समीक्षाए मतिमान रह गया है। तो पर तीन चीज से, अरे पर तीन चीज से अरे वाह, पर तीन चीज से वंचित ये आपका हनुमान रहे अंतिम टुकड़ा दे रहा हूँ, अंतिम आखिरी। अवधपुरी में अरे रम के अवधपुरी में रम के रमा के कपिने भूख को मेटे हैं। अब देखिए उनकी तीन समस्याएं दूर कैसे हुई। अवधपुरी में अरे रम के रमा के कपिने भूख को मेटे हैं, अरे हनुमत धारा में वो नहा के हनुमत धारा में वो नहा के वो प्रयाग में लेटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के लिए। अरे वाह, हनुमत धारा लेटे हनुमान, हनुमत धारा में वो नहा कर वो प्रयाग में लेटे हैं। तो कहना पड़ा क्या कि सागर कली, अरे सागर कलयुग में दिवाकर, कि सागर कलयुग में दिवाकर निडर हो के विद्यमान रह गया। अरे वाह भाई वाह वाह। तो
सागर कलयुग में वो दिमाग निडर हो के विद्यमान रह गया तू ए निडर हो के विद्यमान रह गया पर तीन चीज से अरे सब मिल गया सब मिल गया अब सब मिल गया सब मिल गया, सब मिल गया मुझको मेरे स्वामी सब मिल गया मुझको मेरे स्वामी ना कोई अरमान रह गया जोर से हाथ उठा कर हनुमान जी महाराज का जयकारा लगा दें। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है।